हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज वर्कशीट के बारे में बात करेंगे हम, चैप्टर फोर की, विच इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इन ईच केस एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। टू पार्ट्स हैं, 5x प्लस 2y इक्वल टू 4 एंड सेकेंड पार्ट इज x बाय 2 माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज राइट फोर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 9। इसमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करके आपको निकालनी है, मतलब लेट करनी और यहाँ पुट करके उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं आपको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड 2x माइनस 3 इक्वल टू माइनस वाई, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। फोर्थ क्वेश्चन इज इफ द पॉइंट्स 1, 2 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2y इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। अगर ये पॉइंट ग्राफ की इक्वेशन जो ये है 2y इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस 4 पे लाई करते हैं तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Now question number 5 is find the values of k. If x equal to 1, y equal to 3 is a solution of equation 3x plus 4y equal to k. इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Sixth question is show that the points a 1, 1 means x और y की वैल्यूज है, b 11, 3, c की वैल्यू है -4, 0, lie on the graph of a linear equation x equal to 5y minus 4. Seventh question is draw the graph of linear equation 2x plus 3y equal to 6 at which graph cuts x-axis and y-axis. Now question number 8, Anita purchased a table and chair for office. The cost of table is 300 less than the chair. Write the statement in linear equation. तो ये 8 क्वेश्चंस है, चैप्टर नंबर 4 पे बेस्ड है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन पूरे क्वेश्चंस को, 8 क्वेश्चंस जो हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो उससे पहले आप ये सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में जब इसके सॉल्यूशंस मैं डालूंगी तो आप उसमें वेरीफाई कर लेना कि आपकी कहाँ गलती है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।